भगवान का नाम लेके रो लेना। रोगी तो तुम जरूर, ये तो पक्का है। मैं कितना भी कसम दे दूं तुम सुधरने वाली तो हो गई, रोना तो तुम्हें है, लेकिन हर किसी के सामने मत रोना, वरना इन आंसुओं की कीमत नहीं रहेगी। और जो बार बार रोता है ना, उसका कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, कभी कभी जीवन में आंसू आ जाए तो पूरा घर चिंतित हो जाता है। वो जिसके हर 5 मिनट में आंसू आए तो लोग सोचते इसकी तो मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही यो, क्या करे, भगवान ने चेहरा ऐसा बना रखा है। ध्यान रखो, हमेशा खुश रहो, रोने से कुछ नहीं होता। बुढ़िया ने कहा कि एक तो नारद मेरा बुढ़ापा है और दूसरे मेरे पीठ पर ये जो कुबड़ है ना, ये मुझे बहुत दुखी करती है। जो देखो वो मेरा मजाक बनाता है, वो मेरे कुबड़ की हंसी उड़ाता है, बच्चे मुझे छेड़ते हैं। जानते हो कुबड़ क्यों निकलती है? मालूम, जो लोग धर्म का खाते हैं, निर्माल्य द्रव्य का भक्षण करते हैं। जैन आगम तो कहता है कि निर्माल्य को खाने वाला नियम से नरक को प्राप्त होता है, और यदि नरक नहीं हुआ, देवगति में गया, तो वाहन जाति का देव बनता है, और वहां भी नहीं गया तो त्रियंच में बैल बन के चुकाना पड़ता है, और वहां भी नहीं गया, मनुष्य हो गया किसी पुण्य से, तो कहते हैं उसके पीठ पर एक कुबड़ रख दी जाती है। ये धर्म का खाकर घूमता है, धर्मादे का खाकर के घूमता है, मंदिरों का खाता है। जो लोग मंदिरों की प्रॉपर्टी हड़पने का विचार करते हैं, ये मर करके अगले जन्म में इनके पीठ पर कुबड़ निकला करती है। आज यही हो रहा है कि मंदिरों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा किए लोग बैठे हैं, 10-10 रुपए 50-50 रुपए महीने में अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, अपना मकान बना लिया, फिर भी मंदिर की प्रॉपर्टियों को, मंदिर की जगह को खाली नहीं करते। ये कब्जा करने के भाव, ये दूसरों का धन हड़पने के भाव, ये दान का पैसा खाने के भाव, मर करके पीठ में कुबड़ निकलता है। किसी ने खाया हो तो आज ब्याज से जमा कर देना मंदिर, ध्यान रखना, नहीं तो बैल बन के चुकाना पड़ेगा, कुबड़ बन के निकलना पड़ेगा। अरे दे दो मेरे भाई, यदि बोल दिया तो दे दो। कई लोग तो बोली लेके भी पैसा नहीं देते हैं,